और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार का वीआईपी सुरक्षा पर बड़ा आदेश। वीआईपी सुरक्षा से अब एनएसजी कमांडोज हटाने का आदेश सरकार ने दिया है। वीआईपीज की सुरक्षा एनएसजी की जगह अब सीआरपीएफ करेगी। मुख्यमंत्री योगी मायावती की एनएसजी सुरक्षा हटेगी। राजनाथ सिंह को भी मिली हुई है एनएसजी सुरक्षा, अब सीआरपीएफ करेगी ये वीआईपीज की सुरक्षा। केंद्र सरकार का वीआईपी सुरक्षा पर यह बड़ा आदेश, एनएसजी कमांडोज हटाने का दिया आदेश, अब वीआईपीज की सुरक्षा सीआरपीएफ करेगी। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। अंजलि, इस इतने बड़े आदेश की क्या वजह सरकार के द्वारा बताई जा रही है? देखिए, ये दरअसल जहां तक इस आदेश की बात करें शोभना जी, तो ये एक इन प्रोसेस, ये पूरा जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है ये अभी अंडर प्रोसेस है। एक से डेढ़ महीने का करीब अभी तक टाइम बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, जिसमें एनएसजी जिन 9 लोगों को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा होती थी, जिसमें एनएसजी के कमांडो तैनात रहते थे, एनएसजी को रिप्लेस करने का ये जो फैसला है ये आम चुनाव से पहले ही लिया गया था। इस पर बातचीत हो रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, चूंकि ट्रांजिशन करना होगा और धीरे धीरे हैंडओवर करना होता है सुरक्षा को, तो उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया जो है काफी लंबे समय से चल रही थी। और अभी की बात करें तो अब तकरीबन इस चीज को जो है वो पूरा कर लिया गया है। अभी भी एक से डेढ़ महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। और ये जो 9 वीवीआईपी हैं जिनकी सुरक्षा में एनएसजी के कमांडोज तैनात थे, जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा जिन्हें दी गई थी, ये इनकी सुरक्षा में अब एनएसजी की जगह सीआरपीएफ के कमांडोज तैनात कर दिए जाएंगे। और इनमें कई अहम नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती उनका नाम इसमें है, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, इन तमाम बड़े लोगों को ये सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, जिसको अब हैंडओवर करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। धन्यवाद अंजलि आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। Zee News.